हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो मैं आज आपको और एक केक की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो आज मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का केक बना रही हूँ। ये मैं आपको शायद से मेरे चैनल पे पहली बार ही रेक्टेंगुलर केक बन रहा है। मैंने अभी तक आपको राउंड शेप में बताया है। तो यहाँ पे हम लोग 1 kg का केक बनाने वाले हैं। तो मैंने लिया हुआ था 400 grams ऑफ केक प्रीमिक्स, जो इजीली हमको बेकिंग शॉप में मिल जाता है। और इसके 3 layers किए हैं। सेम प्रोसीजर है, इसमें भी कोई अलग नहीं है। 3 layers करके लेयर सोप करना है और उस पर क्रीम हमको स्प्रेड करनी है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे पूछ रहे थे कि केक प्रीमिक्स मतलब क्या है, क्या चीज़ से बनता है। तो नॉर्मल जो हमारा स्क्रैच से केक बनता है, जो मैदे वाला, वैसे ही होता है। लेकिन ये है कि हम स्टोर कर सकते हैं, ये मैदे का ही रहता है। लेकिन इसमें सब मेजर्ड पहले से ही डाला रहता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको लगते हैं केक के लिए, मैदा, वो सारा मेजर करके पहले से डाला और उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये हम जो भी होम बेकर्स है और जिनको बहुत सारी ऑर्डर्स आती हैं, तो उनके लिए इजी बन जाता है ये प्रीमिक्स यूज़ करना, ताकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। डायरेक्टली मेजर करके ले लो और बेकिंग के लिए केक्स रख लो। तो ये है केक प्रीमिक्स। अभी यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर भी रख दिया है, उसको भी हम लोग पूरा क्रीम स्प्रेड कर लेंगे। और ये हमारा बन रहा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला केक। ये कस्टमर की डिमांड का था, एंड अगेन ये बहुत अर्जेंट ऑर्डर था और केक सेट होने के लिए टाइम ही नहीं मिला था फ्रेंड्स। और मुझे लग रहा है कि अर्जेंट ऑर्डर्स लेने अभी थोड़े कम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सेट अगर नहीं प्रॉपरली हो जाए तो क्रीम थोड़ी सी मेल्ट लगती है, मेल्ट हो जाती है। इसको अच्छे से प्रॉपर एटलीस्ट 2 घंटे का सेट होना चाहिए केक फ्रिज में। तो ये हमारी थर्ड एंड फाइनल लेयर हमने रख दी है और अभी हम कर रहे हैं क्रम कोटिंग। ये सारी प्रोसीजर्स कॉमन है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि नया कोई मेरे चैनल से जुड़ गया है तो उसको ये पता चले। अभी इसको भी हम क्रम कोटिंग करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसका फिनिशिंग देना मुश्किल होता है। राउंड जो केक रहता है, राउंड शेप का मतलब सर्कल शेप का, उससे थोड़ा ये फिनिशिंग देना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके एजेस है ना एकदम प्रॉपरली आने चाहिए, ना कि कर्व आने चाहिए, एकदम प्रॉपर शेप। लेकिन आप करोगे तो, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेरा क्रम कोटिंग हो गया है और मैं इसको रख रही हूँ अभी फ्रिज में सेट होने के लिए। तो मैंने ये सेट करने रखा था, ये सेट होके आ गया है, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे ये अर्जेंटली डिलीवर करना था। तो अभी मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, क्योंकि उनका एनिवर्सरी था कंपनी का जिनको ऑर्डर है, और उनको इस पे बस अपनी कंपनी का नाम चाहिए था और कुछ नहीं। और कितने साल हो गए हैं एनिवर्सरी, तो मैंने नीचे बॉर्डर ड्रॉ कर दी। और फिर मैं ऐसे कुछ कर रही थी, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको हटा दिया, फिर से केक को प्रॉपर फिनिशिंग दी। और फिर मैंने जैसे नीचे बॉर्डर की है, वैसे ही मैंने ऊपर बॉर्डर की थी। और जैसे मुझे ऑर्डर आया था, उस टाइम मैंने क्या किया था कि हमारा जो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट स्लैब होता है, उसको मैंने डबल बॉयलर से मेल्ट करके कुछ अल्फ़ाबेट्स, उनकी कंपनी नेम जो रहे ना, उसके अल्फ़ाबेट्स मैंने पहले ही मोल्ड में डाल के उसको फ्रिज में सेट करके रखे हुए थे। जैसे ये PS रखी ना, वैसे अल्फ़ाबेट मैंने पहले ही तैयार करके रखे थे। ये चॉकलेट के हैं और ये एडिबल है, ये हम खा सकते हैं। तो बस ये अल्फ़ाबेट पे मैंने गोल्डन डस्ट लगाया था, ताकि ये अच्छा लगे। और बस मुझे कुछ करना नहीं था ज़्यादा, इसके ऊपर कंपनी का नाम प्लेस करना था और कितना साल हो गया, बस यही था। लेकिन फिर ये जब मैं रख रही थी, तो मुझे थोड़ा सा ये अधूरा लगा था केक। तो मैंने फिर इसमें बाद में मैंने
स्प्रिंकलर स्प्रेड किए थे, और जो गोल्डन फॉइल थी मेरे पास जो, तो वो गोल्डन मैंने लगा दिया था। सब एडिबल है, सब खा सकते हैं। और इस तरह से पूरा केक मेरा रेडी हो गया था और इसका ये फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा केक कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद।